अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लर्न करेंगे नॉर्मलाइजेशन। लार्ज डेटाबेस डिफाइन कर रहे हैं सिंगल रिलेशनशिप के तौर पे, जिसका रिजल्ट जो है वो मे बी शो किया गया डेटा डुप्लीकेशन में। ये रेपिटेशन जो है वो डेटा में रिजल्ट शो कर रही है मेकिंग रिलेशंस वेरी लार्ज, और ये जो है वो इज नॉट इजी है, जिसमें मेंटेन कर रहे हैं अपडेट डेटा को और इन्वॉल्व कर रहे हैं सर्चिंग मेनी रिकॉर्ड्स इन रिलेशन। वेस्टेज एंड पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क स्पेस और रिसोर्सेज, लाइकलीहुड ऑफ एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज इंक्रीजेस। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द डेटाबेस में। नॉर्मलाइजेशन जो है वो यूज कर रहे हैं मिनिमाइज कर रहे रिडंडेंसी रिलेशनशिप से और सेट ऑफ रिलेशंस, और इसको जो है वो यूज कर रहे हैं इलिमिनेट कर रहे हैं अंडर अनडिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज। नॉर्मलाइजेशन जो है वो डिवाइड कर रहे हैं लार्जर टेबल्स इंटू स्मॉलर में, और लिंक जो है वो रिप्रेजेंट किया गया यूजिंग रिलेशनशिप के साथ। नॉर्मल फॉर्म है यूज कर रिड्यूस कर रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल्स। डेटा मॉडिफिकेशन एनोमलीज कैन बी कैटेगरीज इंटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट आते हैं इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली रिफर कर रहे हैं जब जो है वो इंसर्ट नहीं कर रहे होते न्यू टेपल के साथ इनटू अ रिलेशनशिप में ड्यू टू लैक ऑफ डेटा। डिलीशन डिलीट एनोमली एनोमली रिफर कर रहे हैं सिचुएशन जिसमें आप डिलीट कर रहे हैं डेटा रिजल्ट्स इन द अनइंटेंडेड लॉस ऑफ सम अदर इंपॉर्टेंट डेटा। अपडेशन एनोमली अपडेट एनोमली जब अपडेट कर रहे हैं सिंगल डेटा वैल्यू रिक्वायर्स ए मल्टीपल रोज ऑफ डेटा अपडेट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मलाइजेशन वर्क कर रही है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअल रिलेशंस, और रिलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म है जो सेटिस्फाई कर रहे कंस्ट्रेंट्स को। फॉलोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स की ये रिप्रेजेंट है, जिसमें 1F है, 2F है, 3F है, जिसमें R21 है, इस तरीके से वैल्यूज है, और 1F की बात को इलिमिनेट कर रहा है रिपीटिंग ग्रुप्स को। 2NF जो है वो इलिमिनेट कर रहा है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। 3NF है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। उसके बाद मल्टी वैल्यूज है, और लास्ट आता है SNF इलिमिनेट ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ये वैल्यूज रिप्रेजेंट है, ये कंडीशन है, और ये जो है डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन से रिप्रेजेंट किया गया। एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हेल्प कर रहा है मिनिमाइज कर रहा है डाटा रिडंडेंसी, ग्रेटर ओवरऑल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, डाटा कंसिस्टेंसी विद इन द डेटाबेस में, मच मोर फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन है, एंड फोर्सेस द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल इंटीग्रिटी। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ये जो है वो स्टार्ट नहीं कर रहा होता है बिल्डिंग द डेटाबेस बिफोर नोइंग व्हाट द यूजर नीड्स। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स कर रहा होता है व्हेन नॉर्मलाइजेशन द रिलेशंस हायर नॉर्मल फॉर्म्स 4NF 5NF वेरी हाई टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस है हायर डिग्री के लिए। केयरलेस डिकम्पोजिशन है लीड कर रहा है बैड डेटाबेस डिजाइन, लीड कर रहा है सर्विस सीरियस प्रॉब्लम्स को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।